डॉ बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुड इवनिंग माइ सेल्फ डॉक्टर नैशल रावल Would like to welcome you all at the Chaitanya Studio, Dr. Baba Sahib Ambedkar Open University, Ahmedabad. Today we are just going to cover about the business environment, the new subject or a new topic than the economics one. In this subject, you are going to learn about the various business policies, various economic system, how your business policy affect your the business or how the government policies will affect your business so business environment deals with the surrounding atmosphere in the business and how your government is supporting for the business how the various factors affecting the business various types of the business environment and how the macroeconomic policy react to the business environment so the title of the paper is business environment paper number is uh, 301 introduction to the business एनवायमेंट ब्लॉक वन यूनिट वन बेजिक ऑफ इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट इंट्रोडक्शंस के तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले मैं इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा बात करूं तो इट इज अ प्रोस्पेक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट्स ठीक है सफिशिएंट मैन पावर है राइट हाईली पॉपुलेटेड टेंथ एमोंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमी अक्रॉस द्लोब सेकेंड लार्जेस्ट

एक से ज्यादा सरकार रहती है उसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं अपने वहां पर तीन गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट ठीक है कुछ पावर्स ऑथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स ऑथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ऑथॉरिटीज़ कुछ पावर्स एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोकल गवर्नमेंट के पास लोकल गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स अर्बन एंड दी रूरल ठीक है अर्बन में आपको म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशंस मिलेगा लोकल में आपको नगर पालिका जिला पंचायत ग्राम पंचायत सरपंच ये सब लोग मिलेंगे ठीक है दिस इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम सो रिसोर्सेज जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के पास आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लोकल के पास जाते हैं कुछ रिसोर्सेस ऐसे हैं जो लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं राइट सो बेसिक इंट्रोडक्शन इंडियन इज दैट कि वी आर इकोनॉमीड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री विद द विदिशियंट मैन पावर एंड इट इज कंसिडर एज अ प्रोस्पेक्ट बेटर प्रोस्पेक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट्स वी आर ऑल्सो द टेंथ एमॉन्ग्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकॉनॉमी इन द ग्लोब और अक्रॉस द ग्लोब और इन द वर्ल्ड we also ranked fourth in terms of purchasing power. We are open-minded for attractive and the trade-friendly investment opportunity. We invite foreign countries to invest in our country. एटमोस्फेयरिकली अगर एग्जिग्रेट किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन दी दाईवेज आता है पोर्ट्स आता है रेलवे आता है एयरपोर्ट्स आते हैं पावर सेक्टर्स आता है टेलीकॉम सेक्टर्स आता है राइट right? गूगल ने रिलायंस के साथ मिलकर पार्टनरशिप किया था वाई फाई फैसेलिटीज देने के लिए गूगल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया टू प्रोवाइड दी वाई फाई फैसिलिटीज एट दी रेलवे स्टेशन्स दो हज़ार सोलह में डिजिटल इंडिया का जो हमारा इनिशियट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत तो उसमें गूगल ने पार्टनरशिप किया था और उसमें कहा था कि भाई दो हज़ार सोलह के एंड तक मैं भारत के सौ रेलवे स्टेशन को वाई फाई से कवर करने की कोशिश करता हूँ एंड दे टारगेट एड एंड दे अचीव द टारगेट राइट बॉम्बे वॉज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स वॉज दी फर्स्ट रेलवे स्टेशन विच वॉज गेटिंग दी वाई फाई फैसिलिटीज़ फॉलोड बाई दी नागपुर पुणे अहमदाबाद राजकोट बड़ोडा एंड दी सूरत तो दो हज़ार सोलह की साल खत्म होते होते वो टारगेट अचीव भी किया और वी ऑल्सो टारगेटेड मोर देन दी हंड्रेड रेलवे स्टेशंस टू कवर विद दी वाई फाई फ्री वाई फाई फैसेलिटीज़ सो इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा एग्जिगरेट है एस्टेब्लिशमेंट है कनेक्टेड है not only railways, but they also support the various national as well as international airports, power sectors, 24 hours power facilities in our country. telecom sectors, various facilities have been given to the internet service provider as well and the consumer as well. so government of india is constantly observing the household as well as the secret expenditures for the infrastructure divisional establishment. राइट सो दिज आर द बेजिक इंट्रोडक्शन्स टू दिजनेस एनवायरमेंट लेटेस्ट मूव विथ दी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट ठीक है तो कोई भी बिजनेस होता है वो सबसे पहले क्यों किया जाता है तो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव है उसका प्रॉफिट जब तक प्रॉफिट है तब तक उसका बिजनेस चलता है जिस दिन प्रॉफिट खत्म हो जाएगा या तो कम हो जाएगा वो बिजनेस बंद करने की कोशिश पहले करेगा ठीक है हर एक हर एक बिजनेस का मेन uh, ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट and it is a result of a productivity, growth, efficiency, stability, survival, strength, competitions, struggle that exist in terms of economic expansions, growth and the change over a period of time. Broader aspects, business is already concerned with the various activities like the carries a selling process, purchasing, manufacturing, processing, marketing, goods and services broader concept.

काइनेटिक फट एम्बेसडर राइट टाटा मोटर्स की एक कार थी इंडिका इंडिका विस्टा एंड इंडिका इंडिगो इंडिका इंडिका विस्टा उसके बाद उन्होंने सारे मॉडल्स को चेंज कर दिया राइट नाउ टाटा टिगोर टाटा टियागो दिजार दी टाटा नेक्सन ये उनके मॉडल्स हैं ठीक है सो सम चेंजेस टेक्निकली लाने चाहिए टेक्नोलॉजिकल चेंज आने चाहिए एनवायरमेंट की बात करें तो ठीक है अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट एनवायरमेंट का एक सिंपल डेफिनेशन है कि भाई सराउंडिंग एटमोस्फियर इज नोन एज एनवायरमेंट बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट ट्रेड ट्रेडिंग्स विच इज

फिर आती है हमारी वीकनेस फिर आते हैं हमारी अपॉर्चुनिटी फिर आते हैं हमारे थ्रेट्स इसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस ऑपर्चुनिटी एंड दी थ्रेट्स इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं तो 2016 के नोटबंदी के बाद ना वी वर मूविंग टूवर्ड्स द यूपीआई पेमेंट्स स्ट्रेंथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद दिस मेरे जेब में रोकड़ा रुपया नहीं है कोई बात नहीं मोबाइल से स्कैन करो उसको आईडी से लॉगिन करो स्कैन करो उसका आईडी स्कैन हो जाएगा पेमेंट हो जाएगा डन वीकनेस में क्या है गलती से शायद स्कैनर गलत हो गया या तो तुमने नंबर से उसको ट्रांस पैसे ट्रांसफ़र करने से बात कही तो नंबर गलत एंटर कर दिया कुछ पेमेंट्स में आपको कस्टमर आई जनरेट करने का होता है वहां पर लिखने का होता है गलती से सेवन की जगह पर एट प्रेस हो गया इट इज वन ऑफ द वीकनेस राइट अपॉर्चुनिटी क्या है इसको और डेवलप किया जा सकता है फ्यूचर में कैसे उसको अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है जैसे कि नॉट ओनली इन पेमेंट टर्म्स यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द व्हाट्सएप, राइट पहले एक आता था कि एक टिक आता इसका मतलब समझो कि उसने सामने वाले ने मैसेज रीड कर लिया है फिर आते थे दो टिक जिसमें पता चलता कि उसको मैसेज मिला है फिर आई ब्लू टिक तो उसको मैसेज मिला भी है और उसने मैसेज रीड भी किया है और यदि अगर तुम रिप्लाई नहीं देते हो तो हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमको इग्नोर किया राइट right? रीड करके भी उसने मैसेज uh, का रिप्लाई नहीं दिया अभी उसमें नया एक भी आ रहा है कि तुमने ग्रुप में कोई मैसेज किया हो तुम खुद के मैसेज देख सकते हो कितने लोगों ने कौन से टाइम पे रीड किया है अगेन एंड अगेन दे आर गेटिंग अपडेटेड हर थोड़े बहुत समय के बाद वो अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है और अपडेट होता भी है अब तो व्हाट्सएप पे भी UPI पेमेंट होता है अपॉर्चुनिटी अब थ्रेड क्या है गलत इंसान को पैसे पहुंच गए गलती से ठीक है तो वेराइटीज ऑफ चेंजेस वीकनेसेस आर देयर इन द बिजनेस यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर प्रोडक्ट एंड इफ यू आर नॉट अपडेटिंग योर प्रोडक्ट दैट मीन्स योर प्रोडक्ट विल बी आउटडेटेड फ्रॉम द मार्केट काइनेटिक इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल राइट टू जी इंटरनेट सर्विस थ्री जी इंटरनेट सर्विस आज से बीस साल पहले रिलायंस के टेलीफोन आते थे सी डी एम ए टेक्नोलॉजी वो सबसे पहला टेक्नोलॉजी ऐसा लाया था अब सी डी एम ए टेक्नोलॉजी में ऐसा था कि तुम्हारा फोन जब चोरी होता तो शायद चोर के काम में भी नहीं लगता आपको सिर्फ कस्टमर केयर में जाके अपना नंबर वहाँ रजिस्टर जो किया हुआ है वो उसको आपको बंद करवाने का एक, एक एप्लीकेशन थोड़ा सा डालना पड़ता था ठीक है द मोमेंट यू गिव दिज एप्लीकेशन तुम्हारा नंबर बंद जीएसएम सर्विस में क्या होता है कि फोन यदि अगर चोरी हो जाता है तो चोरी करने वाला इंसान जो होता है वो सिम कार्ड निकाल देगा और वो अपना सिम कार्ड डाल देगा कहेगा मेरा फोन है सो दीज आर दी वेरियस स्वॉट एनालिसिस बीइंग वेल इन्वॉल्व इन योर बिजनेस तुम्हारे बिजनेस का स्ट्रेंथ कितना है तुम्हारे बिजनेस की वीकनेस क्या है अपॉर्चुनिटी क्या है थ्रेट्स कौन है कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है अगर टेक्नोलॉजी चेंज नहीं किया तो रिजल्ट क्या आएगा अपॉर्चुनिटी right. कितनी है फिर रिलायंस के फ़ोन को क्या हुआ कि भाई उन्होंने 2G से 3G पे जाने की कोशिश की और उनके जो इंटरनेट बैंड्स थे वो 3G से 4G तक नहीं जा पाए थे तो उनके साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे वो सब के सब 3G से 4G की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वो गए भी यू कैन टेक द एन एग्जाम्पल ऑफ द नोकिया आजकल मार्केट में नोकिया दिखेगा नहीं नोकिया ट्राई टू टेक ओवर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड दे हैड ऑल्सो डन लेकिन आजकल नोकिया के फोन कोई खरीदने वाला नहीं है राइट पीपल आर मूविंग सम अदर कंट्री अदर कंपनीज सो तुम्हारे बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस एक होता है चार साल में मैंने इतना प्रॉफिट किया सामने इतना लॉस किया तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है मैं और अच्छे तरीके से उसको कर सकता हूँ कोरोना वायरस लीड्स टू द इंक्रीज इन दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स सो जो पहले मूवीज बनती थी वो थिएटर में रिलीज होती थी और फिर चैनल्स पर आती थी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज आने लगी दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट अपॉर्चुनिटी तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म से ये भी साबित हुआ कि जो लोग इतने फेमस नहीं थे या जो छोटे शहर से कलाकार आते थे वो भी बढ़िया तगड़ा एक्टिंग करके आगे निकल चुके हैं बहुत से एग्जांपल्स है आई मे नॉट ओवर हियर बिजनेस so अपॉर्चुनिटी क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो प्लेटफॉर्म्स तो चलाने के लिए व्हाट यू रिक्वायर यू रिक्वायर द इंटरनेट फैसिलिटीज राइट अब इंटरनेट फैसिलिटीज कौन दे रहा है तुमको तो कि पर चार कंपनी है जैसे हमने इकोनॉमिक्स में देखा था ऑलिगो जा रहा है फ्यू सेलर्स कौन कौन सी कंपनी है तो कि एक है बी दूसरा है रिलायंस ती फिर है वोडाफोन आइडिया फिर एयरटेल आता है टाटा टेलकॉम आता है जो कि कुछ ही राज्यों में सीमित है वो राइट right? इतना चार पांच कंपनीज है उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है तो कि भाई थ्री जी से फोर जी को कन्वर्ट करने का नाउ वट इज एवरी वन इज ट्राइंग टू गिव दी इंटरनेट सर्विस अभी फोर जी मार्केट में इतना फैला नहीं है लोग इतने यूज नहीं कर रहे हैं दे आर मूव ट्राइंग टू ब्रिंग दी इंटरनेट सर्विस एज वेल दे आर इन टू दैट बिजनेस एंटरप्राइज का अलर्ट कितना है तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स आते हैं या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो वो शायद आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है डिमोनिटाइजेशन राइट इट अफेक्टेड बिजनेस

सो so, क्या अलर्ट है उसमें कि भाई तुमने अगर जीएसटी अपना रजिस्टर नहीं किया है तो फिर वो फाइन भुगतना पड़ेगा तुमको यूनिट टू पे फाइन तो जो लोग कैश में बिजनेस कर रहे थे उनको भी अभी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा एक्सेप्टेबिलिटी टू द चेंज कितना है तुमने पॉलिसी तो नया लाया तुमने अपॉर्चुनिटी ढूंढा मिला बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया अलर्ट मिला फिर उस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कितना तेजी से करते हो एंड हाउ यू यूटिलाइज योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस राइट पांच लाख रुपए लेकर धंधा स्टार्ट तो कर दिया फिर उसी पांच लाख का सात लाख कैसे बनानी है वो बिजनेस एंटरप्राइज को डिसाइड करना है पांच लाख के दो लाख भी हो सकता है डेट मीन्स योर शी हेज नॉट यूज द रिसोर्स इन द ऑप्टिम वे और इन द मैक्सिमाइजेशन यूटिलाइजेशन कैसे तुम्हारे पास रिसोर्सेस uh, है ब्रह्मास्त्र क्या है आपके हाथ में आपके पास फिर उठाइए बाण और चलाइए धनुष दिस इज वॉट द यूटिलाइजेशन तुम्हारे पास वेपन्स कितने हैं तुम्हारे पास स्ट्रेंथ कौन कौन सी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड धैन गेट Enter into the market. This is why we need the importance of the business environment. Okay. Uh, environmental studies for business. Business will only work and will flourish if your environment is clear or supportive. Okay. Human, physical, financial resources are being drawn from the environment.

एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या करता है तो कि वो एग्जामिन करता है वो प्रेडिक्ट करता है करंट सिचुएशंस करंट चेंजेस पोटेंशियल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द एनवायरमेंट राइट शुड प्रोवाइड द इनपुट्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च कर आजकल वो भी एक बिजनेस हाउ इट अफेक्ट योर एनवायरमेंट एनवायरमेंट आर ऑफ टू टाइप्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दो एम्प्लॉयज के बीच में फाइट हो रही है या दो एम्प्लॉयज के बीच में मनभेद हो रहा है दोनों की थिंकिंग्स डिफरेंट है तो ये भी हो सकता है कि दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है वो अपने कलीग को अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करे विच विल डेफिनेटली अफेक्ट योर बिजनेस राइट इफ योर एन्वायरमेंट इज क्लियर एंड सपोर्टिव तो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा environmental is to influence and to analyze based on the complexity, diversity, uncertainty and the limitations. Important factors, organizations development or the performance. किसी Particular company का performance check करना हो तो उसके दो तरीके किए जाते हैं एक तो audit किया जाता है उसका profit loss statement देखा जाता है और उसके company में employees कौन कौन से मौजूद है सारे के सारे फ्रेशर्स से दो चार साल का अनुभव वाले हैं बहुत से लोग सीनियर्स हैं जिसका एक्सपीरियंस 20 साल 15 साल 25 साल है राइट सो दिस कैन हेल्प द इंटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी टू डू मोर बेटर परफॉर्मेंस एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ द करेंट गवर्नमेंट ऑरगी एनवायरमेंट ऑर्गी दर्गेनाइजेशन राइट So, complexity, diversity, uncertainty, latest facilities, and the limitations of your business. Two basic opinions which taken care about the environment while discussing the introduction to the business, Indian business environment. Environment clean, very expensive to keep the price low for the desired consumer. इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग एटमोसफियर बिजनेस मतलब ट्रेड कौन सा तो कि इंडिया का इंडिया का बिजनेस तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड द सर्विस सेक्टर ट्राई टू कनेक्टेड विद द वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द वेरियस सेक्टर्स हाउ डज द बिजनेस एनवायरमेंट Effect and in opinion of the two basic poles can be taken into the considerations. As a protecting of an environment results in an expense or reduce the profit. Right? More prices, which means increase the cost. Establishment should be competitive or compared to those who are not environmentally friendly. Right? Electronic uh, electric vehicle, business, motor, automobile sectors, तो लोग कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल से पॉल्यूशंस होता है हमारा एनवायरमेंट का नुकसान जाता है तो कंपनी ने क्या किया क्या तो कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की कोशिश की right? कंपनी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आपके व्हीकल का ग्रीन ग्रीन कलर का नंबर प्लेट होगा दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई योर एनवायरमेंटल फ्रेंडली राइट कंज्यूमर नीड्स टू हैव अ बिजनेस विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफिशियसी ऑफ मशीनरीज विल बेनिफिट इन दी लॉन्ग टर्म तुमने मशीन तो बोरो किया तुमने मशीन्स लेकर आया लेकिन क्या वो एफिशेंट है कि नहीं है वो भी एक देखा जाता है लंबे समय के लिए विथ इफेक्ट ऑफ एनवामेंटल इश्यूज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन बिजनेस विल इंक्रीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करता है वो तो हम सबको पता है लेकिन समाज के लिए क्या काम करता है सी एस आर के नाम से जाना जाता है एक पॉलिसी है कि वो किसी गांव में कोई बड़ी कंपनी इस्टेबलिश की गई हो और उसी कंपनी से तहत तो, उसी गांव से थोड़ा सा दूर एक कॉलोनी कंस्ट्रक्ट किया जाता है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जाता है एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए स्कूल एंड कॉलेज कंस्ट्रक्ट की जाती है राइट कोरोना वायरस के दरमियान बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था पीपल वे डिस्ट्रीब्यूटिंग द मास्क बिजनेस पॉलिसीज में था सी एस आर पॉलिसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाटर फैसिलिटीज़ दी जाती है इरीगेशनस के लिए ख़ास तौर से एग्रीकल्चर एरियाज़ में सो विद द यूज ऑफ स्केर्यरस रिसोर्स इट विल बी नथिंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन रेज द प्राइस इफ़ यू आर नॉट डूंग एनीथिंग मच तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं और वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स राइट उसमें हमने सत्रह गोल्स की बात की है उसमें से एक अपना ये भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स राइट रिसोर्स को ऐसा इस्तेमाल करो कि जो फ्यूचर जनरेशंस को भी काम में आए ऐसा नहीं कि फ्यूचर के लिए कुछ ना रहे राइट सो कंज्यूमर नीड्स टू हैव बिजनेस विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग ऑल्सो डू द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनी कॉरपोरेट कंपनीज ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट वेरियस थिंग्स इन द रूरल एरियाज़ तौर से जैसे पहले मैंने कहा कि वो हाउसिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो लोग हॉस्पिटल uh, कंस्ट्रक्ट करते हैं एजुकेशन के लिए स्कूल एंड कॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं मास्क एंड सैनिटाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था कोरोना वायरस के दरमियान ख़ास तौर से मैनी फैसिलिटीज है बिजनेस नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस समरी ऑफ द इंडियन बिजनेस एनवॉर्मेंट सो इंडिया हैज़ एन ओपिन ओपन माइंडेड एट्रैक्टिव

The socio economic brand, along with the 55% people living underlying the age of 25. Right? There are also people who are having the age below 45 in our country. So, when someone says the population is a burden, it is not a burden. population not a burden. लोग काम करेंगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ता है तो तुम्हारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज होगी एंड दिस इंक्रीजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विल लीड्स टू द इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम इफ योर पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीजिंग दैट मीनस योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑल्सो इंक्रीजिस राइट सो Assertions of the business environment supports to the determined potentials, feebleness, chances, and warnings. Business will only work and flourish if a part of your environment is clear, supportive, which inputs as a human, physical, financial resource that originate from the environment. So, one thing, if you profit lana business ko chalana तुम्हारा एनवायमेंटल फ्रेंडली रहना पड़ेगा हैंड्स देर फॉर हियर वी सॉ दोडक्शन टू द इंडियन बिजनेस एनवायरमेंट यूनिट वन ब्लॉक वन पेपर नेम इज बिजनेस एनवायरमेंट थैंक यू वेरी मच